नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तारे जी के पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए और ये पार्ट टू है और इसका हम तीन पार्ट में वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। फादर ऑफ मेडिसिन नॉन एज यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है अरिस्टोटल, गैलन, डियोक्रेट्स, ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिप्पोक्रेटस। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के स्कोप कौन से हैं? ऑप्शन दिया हुआ है कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ऑप्शन बी इन एनालिसिस एंड फोटोकेमिकल्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है एस्टेराइड इंडस्ट्री हर्बल प्रिपरेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ऑप्शन बी इन एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल्स, ऑप्शन सी एस्टेराइड इंडस्ट्री हर्बल प्रिपरेशन। ये तीनों फार्माकोग्नोसी के स्कोप हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कर लेते हैं दोस्तों। एनलेक्टा फार्माकोग्निस्टिका बिलोंग टू यानी कि एनलेक्टा का फार्माकोग्निस्टिका किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन दिया हुआ है अरिस्टोटल, टी एस चेरिस, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी सेडलर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेडलर। जो सेडलर है ये एनलेक्टिका फार्माकोग्निस्टिका से बिलोंग करता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कर लेते हैं दोस्तों। हु रोड बुक डोमेस्टिका मेडिका यानी कि डोमेस्टिका मेडिका की बुक किसने लिखी थी? ऑप्शन दिया हुआ है डायोस्क्रोडाइट्स, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी थियोफरेटस, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है गैलन। तो आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डायोस्क्रोडाइट्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कर लेते हैं दोस्तों। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड इट्स डैश डैश नेचर, ऑप्शन दिया हुआ है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लेते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ हर्बल प्रिपरेशन? तो दोस्तों इसमें बताना है कि हर्बल प्रिपरेशन का एग्जाम्पल क्या है। इसमें आपको बताना है हर्बल प्रिपरेशन का एग्जाम्पल क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है तुलसी, शतावरी, वसाका एंड बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी यानी कि तुलसी और शतावरी। ये जो तुलसी और शतावरी हैं ये दोनों हर्बल प्रिपरेशन के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन कर लेते हैं दोस्तों। अरिस्टोटल इज वेल नॉन फॉर स्टडीज ऑफ यानी कि अरिस्टोटल को किसके स्टडीज के बारे में अच्छी तरह से पता था? ऑप्शन दिया हुआ है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी एनिमल किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एट कर लेते हैं दोस्तों। सेना एंड डिजिटालिस आर द एग्जाम्पल ऑफ यानी कि इसमें आपको बताना है कि सेना और डिजिटालिस के एग्जाम्पल क्या हैं। सेना और डिजिटालिस के आपको एग्जाम्पल बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन बी वोलेटाइल ऑयल और ऑप्शन सी एल्कलॉइड्स, ऑप्शन डी टेनिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइड्स। जो ग्लाइकोसाइड्स है ये सेना और डिजिटालिस के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, ऑप्शन दिया हुआ है सेना, फेनल, विनका एंड ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव सेना, फेनल, विनका। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। विच ड्रग हैविंग वन आर मोर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फेनल, सेना, डिस्टारिस एंड ओपियम। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, यानी कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कितने प्रकार हैं आपको बताना है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है लैक्सेटिव, कार्बिनेटिव एंड एंटी हाइपरटेंसिव और ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, लैक्सेटिव, कार्बिनेटिव एंड एंटी हाइपरटेंसिव। ये जो तीनों दिए हुए हैं ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रकार हैं, तीनों फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रकार हैं, तो आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और मैं जितना करा रहा हूँ आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और अपना पढ़ाई अच्छे से करते चलिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं दोस्तों। विच क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फाइला, ऑर्डर, फैमिली एंड स्पेसीज। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं दोस्तों। ड्रग इज नॉट अंडर द सीड क्लास, ऑप्शन दिया हुआ है नक्स भूमिका, डिस्टालिस, ऑप्शन सी लिनसेट एंड ऑप्शन डी इसबगोल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्टालिस। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। विच ड्रग्स आर नॉट अंडर द लिस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, ऑप्शन दिए हुए हैं गम्स, जूस, बार्क, ऑयल। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बार्क। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। ड्रग इज नॉट अंडर द रूट क्लास स्पेक्ट, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसबगोल, अश्वगंधा, रवोल्फिया एंड लिकोरिस। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसबगोल। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं दोस्तों। एरिल इज प्रेजेंट इन, यानी कि एरिल कहाँ प्रेजेंट होता है आपको बताना है, जो एरिल है ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं नटमेग, कार्डामोम, ऑप्शन सी स्ट्रोफेंथस, ऑप्शन डी कैस्टर। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नटमेग। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। व्हाट इज द आयोडीन नंबर फॉर कोकोनट ऑयल, तो दोस्तों कोकोनट ऑयल का आयोडीन नंबर क्या है आपको बताना है, कोकोनट ऑयल का आयोडीन नंबर क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं 7 to 12, ऑप्शन बी 45 to 55, ऑप्शन सी 25 to 28 एंड ऑप्शन डी 85 to 100। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 to 12। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं दोस्तों। फिक्स्ड ऑयल विच इज सलूबल इन एल्कोहल इज, इसमें से ऐसा कौन सा फिक्स्ड ऑयल है जो सलूबल है एल्कोहल में। तो ऑप्शन दिए हुए हैं मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, एर्चिस ऑयल एंड नॉन ऑफ द एबव। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल सलूबल होता है ऑयल में, दोस्तों जो कैस्टर ऑयल है ये सलूबल होता है ऑयल में, ऑयल में ये सलूबल होता है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करते चलिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। पॉम ऑयल इज, पॉम ऑयल क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ड्राइंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ड्राइंग ऑयल एंड सेमी ड्राइंग ऑयल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेजिटेबल ऑयल। और दोस्तों जो पॉम ऑयल है ये जो दिया हुआ है पॉम ऑयल जो फ्रूट से मिलता है,
जो आपका पॉम ऑयल है ये फ्रूट से मिलता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं दोस्तों। केमिकली फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स आर एस्टर ऑफ। केमिकली फिक्स्ड ऑयल्स और जो फैट्स हैं एस्टर होते हैं किसके? ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी शुगर एंड नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। तो दोस्तों ये रहे फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन, और दोस्तों इसका पार्ट वन अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसका देख लेना पार्ट वन। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।